Thank you so much. मैं यही कहना चाहूँगा कि I'm glad आपको पसंद आई, I'm glad लोगों को पसंद आ रही है, and I just wish कि जो मैंने बहुत खुशी होती है as an actor कि आप किसी चीज में जी जान दिल सब कुछ लगा देते हो and then वो पसंद आती है लोगों को, आपकी मेहनत लोगों के सामने आती है. कई बार क्या होता है हम एक्टर बहुत से मुझे एक्सपेक्ट करते हैं, वो आगे दिखते ही नहीं, वो आते ही नहीं है, लोग देख ही नहीं पाते. सो आप I'm glad कि आप लोगों को पसंद आई है और मेरी मेहनत रंग ला रही है. अच्छा, जिस तरह का एक कंसेप्ट है अक्सर देखा गया है कि एक्टर स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर पाते, वो जो किरदार होता है वो जी जाते तो कुछ बताना चाहेंगे आपके लिए कितना टफ था? बहुत टफ था क्योंकि मैं खुद मेंटल हेल्थ से उसके बाद क्योंकि मैं जब गुस्सा उसके बाद मैं निकल नहीं पाया इससे. मैंने कोशिश करी ठीक होने की, बीच में ठीक भी हुआ, बट देन आफ्टर जब पोस्ट प्रोडक्शन हुई, डबिंग हुई, वापस मैं इस चीज़ में घुस गया. एंड देन आई थॉट दैट आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस माय मेंटल हेल्थ, आई नीड टू बी विद माय पेरेंट्स, आई नीड टू गो बैक टू माय होम टाउन, आई नीड टू सी डॉक्टर, आई नीड टू रिफ्रेश माय सेल्फ, आई नीड टू बी अलोन फ्रॉम एवरीवन एंड जस्ट पीस अराउंड मी. क्योंकि बॉम्बे में भी प्रेशर होती है, कोई चीज़ें सौ काम से कर सकते, तो यही हुआ. अच्छा, और जो पोस्ट आपने शेयर किया था, कहीं ना कहीं आपके उस पोस्ट के बाद से फैंस बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया, एंड देन आपने उसे कवर अप करने के लिए एक वीडियो भी बनाया उसे क्लियर करने के लिए, तो कुछ बताना चाहेंगे वो क्या फेस था? वो ऐसे था, मैं ऐसे ही गया था बाहर, बट देन मेरे बाहर जाता था तो मैंने पोस्ट करते उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सेशन लगता है. एंड दैट हैपेंड एंड देन क्लेरिफाई दैट आई हैड टू कम आउट विद अ वीडियो टू टेल एवरीवन कि नो आई एम फाइन एंड आई एम डूइंग ग्रेट एंड व्हाट हैपेंड टू मी, बिकॉज मैं हर एक को नहीं बता सकता था कि मेरे साथ क्या चीज हुआ है. एंड आई थॉट कि वीडियो ही शायद दिखाते हैं कुछ इसी बैठे. आप कंटिन्यूस वर्किंग रहे हैं कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, लेकिन ये मूवी का सिचुएशन हर किसी के लिए बहुत टफ था, सो कुछ बताना चाहेंगे अपना पर्सनल? नहीं, बहुत टफ था, उधर से मेरा बच्चा हुआ था तो वो भी चीज़ें देख रही थी, प्रेग्नेंट वाइफ, आई हैड टू डिलीवर अ बेबी इन कोरोना कोविड, सो इट्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स सबके लिए था. घर पे बैठे, मैं घर पे नहीं बैठा, मेरे को डॉक्टर के चेकअप के पास जाना होता था, मेरे को कहीं कहाँ कहाँ जाना था, सो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी. हाँ, उस वजह से भी, और काम ऑफ कोर्स घर पे बैठे हैं तो मुश्किल था, बट देन समहाउ आई मैनेज इट. बहुत अच्छा, मतलब इट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी. आप लोगों को पात्र जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही अनयूजुअल है, थ्रिलिंग तो है ही, बट आई हैव नेवर सीन यू लाइक दैट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. सॉरी टू डिस्टर्ब, कैरी ऑन. लास्टली मैं मैसेज देना चाहेंगे फैंस को, मैं बस फैंस को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज हमने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत जान दिल दिमाग सब लगा दिया इस में, और आप लोगों को 100% पसंद आएगी. बस आप यूट्यूब पे जाइए और पात्र लिखिए और इंजॉय करिए.